Hello students, I am Abhishek Saxena. Welcome back to our lectures for surface chemistry. कल हमने एक पार्ट देख लिया था, अब हम आ जाते हैं आगे के टॉपिक पर. बट उससे पहले एक बात पूछूंगा मैं आप लोगों को कि अगर आज की जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आज की? कोरोना वायरस, या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिसको हम लोग मान रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, एक पत्थर दे दिया कि वो पत्थर आप घर पे रख लो या अपने साथ रख लो. तो क्या होगा कि अगर आसपास में कोई भी कोरोना वायरस का या वायरस है आसपास में, तो वो पूरा उस पत्थर पे चिपक जाएगा. ऐसा कोई पत्थर दे दिया मैंने आपको, कैसा लगेगा आपको? तो पूरी दुनिया उस पत्थर को लेने की कोशिश करेगी, करेगी या नहीं करेगी? करेगी. क्यों? क्योंकि वो जो सब्सटेंस है या स्टोन है, वो जितने भी कोरोना वायरस उसको अपने पास में खींच रहा है, खत्म नहीं करेगा, बस अपने पास में खींच रहा है. तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसी तरीके से है कि कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपने पास कैसे खींचता है. आपको पता है कि क्लास में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो पूरे क्लास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, करता है नहीं करता? तो उसी तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एक सब्सटेंस जिसे हम, जिस प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस का हम नाम ले लेते हैं अभी, दैट प्रोसेस इज नोन एज, मतलब आज अगेन हमारा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री. तो हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, सरफेस केमिस्ट्री में आपने कल एब्जॉर्प्शन देखा था, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एडजॉर्प्शन. रिमेंबर दैट एडजॉर्प्शन. इसलिए मैं कल के लेक्चर में या अपने पुराने लेक्चर में बार बार आपको एब्स 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 बोल रहा था. यहां पर हमारे पास में आ रहा है एड एडजॉर्प्शन. एड्स एड्स एंटरटेनमेंट टीवी में ऐड होती है, यूट्यूब पर ऐड होती है. एडजॉर्प्शन याद रखने, वो एब था, ए बी था, यहां पर ये है एडजॉर्प्शन. अब इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एडजॉर्प्शन एब नहीं, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैंने आपको कोई जादुई स्टोन दे दिया, एक स्टोन दे दिया, कोई भी स्टोन हो जो कोरोना वायरस जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूं वो अपने पास खींच रहा है, तो क्या होगा? हमें फिर घर से बाहर निकलने के बाद कोई टेंशन नहीं होगा. हम क्या करेंगे, वो स्टोन हमारे पास लेकर घूमेंगे, वो स्टोन पूरे कोरोना वायरस को अपने पास खींच लेगा, अपने पास ले लेगा. समझ में आ रहा? तो इसको मैं एक एग्जांपल की मदद की, एडजॉर्प्शन में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका सरफेस रहने वाला है. एब्जॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था जैसे इंट्रोडक्शन था, पर एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपको एडजॉर्प्शन समझ गया, एब तो समझ चुके हैं, एड समझ गया, एडजॉर्प्शन समझ गया, तो आपको सरफेस केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन पूरा कंप्लीट समझ जाएगा और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एडजॉर्प्शन से रिलेटेड होते हैं. इसलिए ध्यान देना है कि एडजॉर्प्शन मतलब क्या होता है. सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस की बात होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस ले लेता हूं मैं यहां पर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो सरफेस है और इसके ऊपर कोई भी अदर पार्टिकल्स रहने वाले, जैसे ये सपोज हमारा कोई भी बॉक्स है, आयरन बॉक्स जो मैंने कल एग्जांपल दिया, आयरन बॉक्स की बात करें तो ये कोई आयरन बॉक्स है हमारे पास में और ऊपर एयर के पार्टिकल्स है, या कोई भी हम मेटल ले ले सकते हैं, इसको कोई भी आयरन बॉक्स या कोई भी मेटल और ऊपर एयर रहने वाला है. ओके, तो ये क्या होगा कि जो एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे इसके पास आ जाएंगे और यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, मतलब ये एयर के पार्टिकल धीरे धीरे इसके सरफेस पे आ रहे हैं. जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया था कोरोना, बट कोरोना का वैसा कोई सब्सटेंस है नहीं, बट हमारे पास में जितने भी सब्सटेंस है नेचर में या हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट है उनके सरफेस में इस तरीके से वो अट्रैक्ट कर लेता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, क्लास में ऐसा कोई ना कोई बंदा या बंदी हो रही है जिसको, जो सबको अट्रैक्ट कर लेता है या कर लेती है, बंदा होगा तो कर लेगा, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, या बंदी होगी तो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. तो वैसे ही कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है. ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन. क्या बोलते हैं अपन इसको? एडजॉर्प्शन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि एक सब्सटेंस दूसरे
पार्टिकल को अपने सरफेस में अट्रैक्ट कर रहा है। अभी क्लास में कोई बंदा है, दूसरे पूरी क्लास के बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अपने अंदर नहीं समा रहा, तो दूर से ही अट्रैक्ट करता है, बाहर से भी अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए हमने क्या बोला, ये सरफेस केमिस्ट्री है, बाहर की बातें होने वाली है, यहाँ पर अंदर की बातें बायो में पढ़ लेंगे आप लोग। ओके सो यहाँ पर जैसे कि ऑब्जेक्ट है उसने सभी पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये जो फेनोमेनन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसको? एडसॉर्प्शन। याद रहेगा ये क्या है? एडसॉर्प्शन, ना कि एब्जॉर्प्शन। एब्स जब आ गए थे तब पार्टिकल क्या हो रहे थे? पार्टिकल इसके अंदर चले गए थे, कल पार्टिकल दूसरे मैटर के अंदर चले गए थे। यहाँ पर पार्टिकल सरफेस पर रहने वाले, अंदर नहीं जाने वाले। इसलिए अगर मैं एडसॉर्प्शन की डेफिनेशन बोलूँ या फिर उसके बारे में कुछ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस due to molecular attraction पर फोर्सेस बोलो, या अब ये जो रीजन है वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि ये जो सरफेस है वहां पर सब चीज अट्रैक्ट हो रही है। मतलब जैसे कि एग्जांपल, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, ये आयरन बॉक्स के ऊपर एयर के पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका जनरल एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा, जस्ट एक जनरल बात करता हूं, या तो चलो हम एग्जांपल्स इसको क्लियर कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि एडसॉर्प्शन के एग्जांपल्स कहां पर आएंगे। एग्जांपल्स ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन के एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल की बात करता हूं मैं। आप सभी, अभी समर सीजन अभी रिसेंट में खत्म तो नहीं हुआ है, बट फिर भी हम लोग जब ठंडा पानी पीते हैं या वाटर बॉटल में ठंडा पानी लेते हैं तो क्या दिखता है आपको बॉटल के बाहर? अपने वो कंडेंसेशन में भी पढ़ा होगा कि कोल्ड वाटर बॉटल और वाटर और कंटेनर कंटेनिंग कोल्ड वाटर क्या होता है? कोई भी कंटेनर है, सपोज ये कंटेनर है, इसके अंदर कोल्ड वाटर है, तो क्या होगा? इस कंटेनर के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, हमको वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उस वाटर के या कंटेनर के बाहर चिपके होते हैं। देखा आपने कभी ध्यान से, वो वाटर वाटर के ऊपर चिपके होते हैं, ना तो ऊपर जा रहे होते हैं ना तो नीचे जा रहे होते हैं, तो स्टिक होते हैं। तो क्या आपने या मैंने वो वाटर ड्रॉपलेट को फेविक्विक लगाकर वहां पे चिपकाया? आपने चिपकाया था या मैंने चिपकाया? हम दोनों ने नहीं चिपकाया, वो ऑटोमेटिक वहीं पर चिपक के है। चिपक के है मतलब बॉटल के सरफेस ने वाटर के पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे चिपका लिया है या फिर जमा कर लिया है, उसको अपने पास कॉन्सेंट्रेट कर लिया है। तो ये प्रोसेस जो है ये है एडसॉर्प्शन। क्या है ये प्रोसेस? एडसॉर्प्शन मतलब कि कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे जमा कर ले, अपने सरफेस पे जमा कर ले, अंदर नहीं जमा करता, ऊपर ही जमा करेगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडसॉर्प्शन। जैसा कि वाटर बॉटल, ठंडे पानी वाली वाटर बॉटल, गर्म पानी वाली नहीं बात करें, ठंडे पानी वाली बात करें, इसके हम बहुत सारे एग्जांपल बात कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल की मैं जब बात करता हूँ तो सेकेंड एग्जांपल जो कि मैं लिख रहा हूँ इस बोर्ड पर, ये देखो मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो राइटिंग ऑन अ बोर्ड, राइटिंग ऑन अ बोर्ड, चाहे वो चॉक बोर्ड हो, मतलब ब्लैक बोर्ड हो, या फिर ये व्हाइट बोर्ड हो, चॉक बोर्ड होगा, अगर ये चॉक बोर्ड होता तो हम क्या करते हैं, हम लोग चॉक बोर्ड में चॉक से बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, चॉक से बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। तो चॉक से जब मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, जैसे या फिर अब ये व्हाइट बोर्ड है, हमारा जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, यहाँ पर हम
हमारा ब्लैक बोर्ड होता है उस पे हम मार्कर से नहीं लिख सकते, देखो अच्छे से कौन से कि चॉक बोर्ड है उसमें चॉक से लिखना पड़ेगा, जो मार्कर बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है उसमें मार्कर से लिखना पड़ेगा। तो फर्क क्या हो रहा है यहाँ पर, जो चॉक का बोर्ड होता है चॉक बोर्ड जिसे मैंने कहा चॉक बोर्ड, उसका जो सरफेस होगा चॉक बोर्ड का जो सरफेस होगा, जैसे कि ये है चॉक बोर्ड का सरफेस, ओके चॉक बोर्ड, तो चॉक बोर्ड का सरफेस सिर्फ चॉक के पार्टिकल्स, सिर्फ चॉक के पार्टिकल को अपने सरफेस पे लेगा, लेगा या नहीं लेगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ भी, अगर जैसे यहाँ चॉक बोर्ड लिखा है तो ये चॉक के पार्टिकल इस सरफेस पे जमा हो जाएंगे, तब हमें राइटिंग दिख रही है। या फिर अगर व्हाइट बोर्ड रहता तो ये व्हाइट बोर्ड होता और ये मार्कर की इंक, जैसे कि ये मैं लिख रहा हूँ, और जब मैं इसको मिटा दूंगा क्या होगा, ये मिट जाएगा, मिट गया। ये मैं लिख रहा हूँ एब्जॉर्प्शन, तो ये बोर्ड के अंदर तो नहीं चला गया, बोर्ड के अंदर गया या सरफेस पर है, ये बोर्ड के सरफेस पर है। वैसे ही चौक का सब पार्टिकल, चौक का पार्टिकल भी चौक बोर्ड के सरफेस पर होता है, जैसे कि ये लिखा है, और उसको अगर हम मिटा दें तो वो वहां से निकल जाता है, उसको अगर हम रब कर दें तो चौक के पार्टिकल निकल जाते हैं, चौक के पार्टिकल्स ये बाहर है। तो वो कह रहा है यहाँ पर कि चौक के पार्टिकल्स, चौक के पार्टिकल बोर्ड के सरफेस पर चिपक रहे, जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर चिपक रहे, मतलब प्रोसेस कौन सा हो गया, सरफेस पे प्रोसेस हो रहा है, अंदर प्रोसेस नहीं हो रहा है, बोर्ड के अंदर नहीं जाता है चौक। कभी होता है सर कि मैं लिख रहा हूँ और इंक बोर्ड के अंदर तक चले गई, जाती है नहीं जाती है, सिर्फ सरफेस पे रहेगी। इस वजह से ये एग्जांपल भी आएगा हमारा एड्सॉर्प्शन में, किसमें आएगा एड्सॉर्प्शन में। तो आपको मेरे ख्याल से एड्सॉर्प्शन समझ चुका होगा, क्या होता है एड्सॉर्प्शन, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल, उसी सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा है, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स उसके सरफेस पे आ रहे हैं, समझ में आ गया। तो पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द अदर सब्सटेंस, अपोजिट फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर, यू नो दैट वेरी वेल, ओके। तो अब ये हो गए दो एग्जांपल, अब इसमें हम नंबर ऑफ एग्जांपल लिख सकते हैं अगेन, तो आप ये सब नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, सिस्टमैटिक वे से इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। पर हमारा टॉपिक एडजॉर्प्शन चल रहा है तो मैं इसको नहीं मिलाता हूँ, सिर्फ हम एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन पर और डिटेल में बात कर लेते हैं। सो एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन और एग्जांपल्स, अब आप लोग को पता है हम लोग घर पर पेंट करते हैं ना, घर पर वॉल पेंट करते हैं, वॉल पेंटिंग, जो वॉल पेंटिंग करते हैं तो वो पेंट करने के बाद कभी ऐसा होता है कि अगर आपने वहाँ पर कीला डोबा या कुछ अंदर उसको निकाल दिया तो वो जो पेंट है वो वॉल के अंदर भी चला गया, ऐसा कभी होता है, अंदर नहीं जाता है, सिर्फ सरफेस पर पेंट होता है, अंदर नहीं होता। बट अगर मैंने सिर्फ पानी डाल दिया वॉल पर, जैसे कहीं पानी अगर गिर रहा है तो पानी से अगर मैंने वॉल को गीला कर दिया, बहुत देर तक गीला कर दिया, तो वो वॉल के अंदर पानी चले जाता है। तो पानी जब अंदर चले जाता है तो उसको हम लोग एब्सॉर्प्शन बोलते हैं, और सिर्फ सरफेस पे रहेगा जिसकी वॉल पेंटिंग है तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हमारा टॉपिक एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, वेरी गुड। सो अब और एग्जांपल्स की बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स आएंगे, बट अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो कुछ केमिस्ट्री के एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेस्ट हमारा जो एब्सॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग, हम यूज करते हैं चारकोल बोलो या फिर एक्टिवेटेड चारकोल बोलो, ये दोनों सब्सटेंस हम लोग एड्सॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं। आपको पता है आपने 6th क्लास से वाटर प्यूरिफिकेशन पढ़ा है, तो वहां पर ऐसे तीन चार मटके लगा दिए, उसमें एक में सैंड, एक में ग्रेवल, एक में चारकोल ऐसा डाला, तो वहां पे चारकोल का क्या मतलब था, आपने पूछा नहीं आपके सर से या मैडम से तो कि चारकोल का क्या यूज है सर वाटर प्यूरिफिकेशन में,
अब मैं बताता हूँ आपको वाटर प्योरिफिकेशन में या कोई भी प्योरिफिकेशन में चारकोल का क्या इफेक्ट होता है कि चारकोल एक एब्जॉर्बेंट है, मतलब मैं ये बना देता हूँ चारकोल, चारकोल ब्लैक से बनाना चाहिए था बट मैंने ये ब्लैक से निकाल सकते, ये चारकोल है सपोज। चारकोल क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बिंग एजेंट है बट वो क्या करता है सिर्फ कलर डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है, डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ से इम्प्योर वाटर इम्प्योर गैस कुछ भी इसमें से पास कर दूँ तो ये क्या करेगा बीच में सब कलर को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको करेगा कलर को अपने पास एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से कलरलेस कलरलेस वाटर मतलब प्योर वाटर पास करके दे देगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अंदर नहीं एब्जॉर्ब का होगा उसके साथ स्पीयर, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा तो पानी अंदर जा रहा है पानी एब्जॉर्ब हो गया लेकिन बाकी के जो पार्टिकल है कलर के जो पार्टिकल है वो हो जाएंगे एब्जॉर्ब, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पर ही रहने वाला है। कहाँ पर रहने वाला है? वो सिर्फ सरफेस पर रहने वाला है। एंड चारकोल इज अ गुड एब्जॉर्बिंग एजेंट, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम वाटर प्योरिफिकेशन में यूज करते हैं एब्जॉर्बिंग के लिए चारकोल को। शुगर शुगर के डिकलरेशन में हम यूज करते हैं इस चारकोल को। देन गैस मास्क, आपको तो नहीं देखा होगा कि जहां पर कहीं कहीं अगर आग लग जाती है तो वहां पर फायर फाइटर्स को मास्क पहनना पड़ता है। दूसरा जो माइंस होती है कोल माइंस बोलो या कोई भी माइंस डायमंड जो भी माइंस है वहां पर उन माइनर्स को मास्क पहनना पड़ता है। तो मास्क क्या काम आता है, तो मास्क में भी इस तरीके से फिल्टर होता है चारकोल का, उसमें से इम्प्योर एयर जाती है वहां पर, जाते वाटर नहीं एयर भी हम ले सकते हैं, इम्प्योर एयर जाती है और प्योर एयर बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि चारकोल पॉइजनस गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर प्योर गैस को बाहर छोड़ देता है। समझना अगर एब्जॉर्प्शन के ख्याल से पूरा क्लियर हो गया, लेकिन हमें और कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं एनसीईआरटी ने, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं पर जितने इंपॉर्टेंट है वही एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ वेरी वेरी नाइस एग्जाम्पल, पेपर वाटर ऑन सिलिका जेल, वाटर ऑन सिलिका जेल। अब हमने लास्ट में एब्जॉर्प्शन में पानी को स्पंज स्पंज को पानी में डाला था, पानी को स्पंज में नहीं स्पंज को पानी में डाला था। यहां पर मैं बात करता हूं कि अगर मुझे पानी हटाना है किसी ऑब्जेक्ट से, यहाँ जहां पर पानी अच्छा नहीं होता है, हर जगह पानी अच्छा नहीं होता है ना, कहीं पानी के बिना भी काम करना पड़ता है, तो पानी अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर आपका मोबाइल है, मोबाइल का बॉक्स है, तो मोबाइल में मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, या फिर आपके पास कैमरा है, कैमरे में मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, तो जो अगर अच्छी कंपनी का अगर मोबाइल या कैमरा लगे तो उसके बॉक्स में कैमरे के साथ, सपोज दिस इज अ कैमरा, कैमरे के साथ में एक पाउच आता है, इसमें लिखा होता है डू नॉट कीप समथिंग, छोटा सा व्हाइट कलर का पाउच होता है, पता है आपको। चलो अगर कैमरे की बात नहीं करते, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं वाटर बॉटल। अगर आपने मिल्टन या कोई अच्छी कंपनी की वाटर बॉटल ली है तो वाटर बॉटल के अंदर एक छोटा सा पाउच होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट पाउच, ये होता है सिलिका जेल। क्या होता है सिलिका जेल, उसके अंदर भी डू नॉट ईट ऐसा लिखा होता है छोटा छोटा, पर हम देखते नहीं है, उसमें पानी भर देते और पीना चालू कर देते, छोटे बच्चे करते हैं। पर अब आपको पता चल गया कि उस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा व्हाइट पैकेट में सिलिका जेल नाम का केमिकल होता है, अगर आप उस व्हाइट पैकेट को फाड़ दोगे तो उसमें ऐसे छोटे छोटे ग्लास जैसा व्हाइट कलर का क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल रहता है इसके अंदर, व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल रहता है जो कि सिलिका जेल है। इसका काम क्या होता है कि अगर हम कैमरा या बॉक्स बहुत दिन तक अगर बंद है और बाहर के एनवायरनमेंट मॉइस्चर ज्यादा हो गया तो ये सिलिका जेल मॉइस्चर एडजॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब, ऐड कर लेता है अपने सरफेस पर। तो यहां फिर से मैं इस एडजॉर्प्शन का एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। ये सपोज सिलिका जेल के पार्टिकल है, सिलिका की सरफेस है, सिलिका सरफेस एंड यहाँ पर है हमारे पास में मॉइस्चर, मॉइस्चर के पार्टिकल्स, तो क्या करेगा मॉइस्चर के पार्टिकल्स को अपने पास
खींचेगा उसी को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। सिलिका जेल के सरफेस पर जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि सिलिका जेल की वो प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि ऐसा हो भी रहा है, हमेशा क्यों नहीं होता कि स्पंज को हम डालते तो ऐसा नहीं होता, स्पंज के सरफेस पे नहीं जमा होता, इसका रीजन भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट राइट नाउ इम्पोर्टेंट इज दैट आपको एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे आपकी क्लास का कोई एक बंदा या कोई बंदी पूरे क्लास को अपनी तरफ खींच लेता है, वैसे ही कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अपने पास खींच लेगा, उसको अपन बोलेंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए, बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल है, कैटलिस्ट है, हेटरोजेनस कैटलिस्ट है, बहुत सारे एग्जांपल है, धीरे धीरे हम उन सभी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अभी हमने जितने एग्जांपल दिए उन सबको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि काम आएंगे एनसीईआरटी में ये सभी एग्जांपल्स दिए हुए। समझ में आ गया, इनको अच्छे से नोट डाउन करते चलो तो भी आपको फायदा होगा। ये चैप्टर मैंने पहले ही बताया कि क्रिटिकल है, पूरा थ्योरी चलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी है, न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत इजी है इसका, ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो थ्योरेटिकल सेक्शन को आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा, तब जाकर विदिन 15-20 सेकंड आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए थ्योरी को अच्छे से याद करो, अच्छे से याद करने के लिए सिस्टमैटिक वे से अपने पास लिखी होनी चाहिए, तब जाकर तो रिवाइज करोगे बेटा। तो अब हम आ जाते हैं टर्म्स पर। देखो अब मैं बोल रहा था कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है, तब हमको पता है कि एक बंदा पूरे क्लास को अंदर अट्रैक्ट कर रहा है, तो बंदा मतलब कुछ उसको नाम रखते हैं हम लोग, या कोई बंदी अगर सबसे फेमस है जो सब पूरे क्लास को अट्रैक्ट करता है तो उसको भी कुछ नाम रखते हैं, रखते हैं नहीं रखते। तो वैसे ही यहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपने तरफ खींच रहा है, तो मैं बार बार एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस बोलने की जगह उनको कुछ नाम दे सकता हूँ। यहाँ पर हम फिर से दो टर्म पढ़ेंगे, पहला टर्म है हमारा एब्जॉर्प्शन के अंदर एब्जॉर्बेंट एंड दूसरा टर्म है एब्जॉर्बेंट। जैसे कि कल ही हमने देखा था एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट, उसी तरीके से ये रहेंगे। जैसे कि अगर मैं सिलिका जेल वाला एग्जांपल पकड़ लूं तो एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है सब्सटेंस विच गेट्स एब्जॉर्ब ऑन अदर सरफेस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर जमा हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बेंट। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, ये केस पकड़ेंगे तो क्या आएगा एग्जांपल बेटा, इसका एग्जांपल आएगा मॉइस्चर। क्या है यहां पर, मॉइस्चर सिलिका के सरफेस पे जा रहा है, तो मॉइस्चर सिलिका के सरफेस पे जा रहा है मतलब मॉइस्चर दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए मॉइस्चर हो गया यहाँ पर एब्जॉर्बेंट। क्या हो गया एब्जॉर्बेंट, उसका अपोजिट हमारे पास में दूसरा सब्सटेंस है सिलिका जेल, जो मॉइस्चर को अपने पास चिपका रहा है, क्लास का सबसे खूबसूरत बंदा पूरे क्लास के लोगों के पास खींच रहा है। तो वैसे ही एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स को लिखेगा एब्जॉर्ब अदर सब्सटेंस ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्बेंट। और इस एग्जांपल में हमारा पॉइंट रहेगा, इसमें मॉइस्चर इन सिलिका जेल का बात करता हूं, तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा सिलिका जेल हमारा हो गया एब्जॉर्बेंट। क्या हो गया हमारा एब्जॉर्बेंट, दो टर्म बताया एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर एब्जॉर्ब होने वाला है, और एब्जॉर्बेंट का मतलब बताया ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करने वाला है। समझ में आ रहा है, क्लियर पॉइंट है। अगर मैं चॉक और व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल देता, चॉक और व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल, तो चॉक आ जाता है यहां पर, क्योंकि चॉक दूसरे सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है और यहां पर वो एब्जॉर्ब हो रहा है बोर्ड पर, इसलिए यहां पर आ जाता बोर्ड, क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है। ऐसे आप जितने
हेक्साफेट की बात करेंगे तो वहां पर आएगा इंप्योर डाई, कलर को करता है इसलिए हम कलर मोस्टली बोलेंगे। कलर की बात करेंगे इसका एक अगर आपको ध्यान होगा अभी बीच में एक फेस वॉश आया है, फेस वॉश पता है आपको जिससे चेहरा धोते हैं वो चारकोल फेस वॉश, आपने टीवी में ऐड देखा होगा उसका कि पानी पूरा गंदा है, उसमें उन्होंने सिर्फ एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया, वो चारकोल पूरा उस काले पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और पानी पूरा प्योर हो गया। मेरे ख्याल से आपने वो एग्जाम्पल वो वीडियो देखा होगा, नहीं लिया देखा है तो आप देख सकते हो यूट्यूब, अभी जिस पर आप यूट्यूब यूज करते हो। ओके यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। सबसे पहला मैंने आपको एक्सप्लेन किया एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाता है, या फिर उसको मैं इस टर्म में बोलूंगा इन द प्रोसेस इन व्हिच एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, ऐसा बोलेंगे साइंटिफिक टर्म में। फिर मैंने एड्सॉर्प्शन के बहुत सारे एग्जांपल के बारे में बात की। अब फाइनली फिर हमने बात की दो टर्म एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, जिसमें से एड्सॉर्बेंट मतलब जो दूसरे सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाता है, एड्सॉर्बेंट मतलब जो दूसरे को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब करता है। तो ये यहां तक के पॉइंट क्लियर होंगे मेरे ख्याल से। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, शायद आप इसको सिस्टमैटिकली से नोट डाउन करते चलें। अब हम आ जाते हैं एड्सॉर्प्शन की टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की हम बात कर लेते हैं। आप जो टाइप सोच रहे हो वो टाइप मैंने ही बताया, मैं दूसरा टाइप बता रहा हूँ, ठीक है? आप जो बोल रहे हो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो हमारे पास में दो टाइप के एड्सॉर्प्शन रहते हैं, दो टाइप के एड्सॉर्प्शन, एक रहता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और एक रहता है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन एंड कोविड पॉजिटिव, तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब होता है अच्छा, नेगेटिव का मतलब होता है खराब। एक्चुअली वो गलत है, पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ रहा है तो दोनों साथ में होने चाहिए, बट हमारे हिसाब से या हम जो जनरल टर्म्स लिखते हैं उसमें हम पॉजिटिव मतलब अच्छा मानते हैं और नेगेटिव मतलब खराब मानते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखता हूँ पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड नेगेटिव पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, जहां पर सरफेस पर पार्टिकल्स ज्यादा एड्सॉर्ब होंगे उस प्रोसेस को अपन पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोलेंगे, जहां पर ज्यादा एड्सॉर्ब नहीं होंगे उसको हम नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास पार्टिकल्स हैं बहुत सारे बल्क फेज में, ये हो गया अपना बल्क फेज, मैं बताया था बल्क फेज क्या होता है, ये बल्क फेज अपना बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये हो अपना इंटरफेस, इंटरफेस या बोलो सरफेस, मैंने कभी बोला था इंटरफेस या सरफेस सेम ही होता है, बल्क फेज एंड इंटरफेस। तो जब बल्क फेज से ज्यादा ये सारे के सारे पार्टिकल्स आकर यहां जमा हो जाएंगे मतलब एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। द प्रोसेस इन व्हिच इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन एट द सरफेस इज मोर देन कहां से बल्क फेस से मोर देन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन एट द बल्क फेस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि बल्क फेस से ज्यादा मतलब बल्क फेस में जितने पार्टिकल रहेंगे उससे ज्यादा पार्टिकल अगर सरफेस पर रहते हैं उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पर रहता है तो उस एब्जॉर्प्शन को अपन बोलेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसका उल्टा अगर होता है, उल्टा कैसे होगा बेटा, अगर बल्क फेस में बहुत सारे पार्टिकल्स है मतलब बल्क फेस में हम बहुत सारे पार्टिकल्स बना देते हैं ओके, और हमारे पास जो इंटरफेस है ये हुआ हमारा बल्क फेस, ये हमारा इंटरफेस और या फिर इसको मैं सरफेस भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत कम पार्टिकल्स मतलब एक का दुक्का पार्टिकल आगे से इसको एड्सॉर्ब होने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सरफेस इज
less than the concentration, less than the concentration on the bulk phase. मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर absorption ज्यादा होता है मतलब surface पर particle ज्यादा रहता है, see absorption दोनों में हो रहा है, यहाँ पर भी absorption क्योंकि particle चिपक गए, चिपकना मतलब absorption, अंदर घुसना मतलब absorption, याद रहेगा चिपकना सिर्फ सरफेस पे चिपक रहा है तो adsorption, अंदर घुस गया absorption, तो यहाँ पर दोनों में चिपक रहा है, ये भी चिपक रहा है वो भी चिपक रहा है, अरे ज्यादा मत चिपक, यहाँ पे ज्यादा चिपक रहा है यहाँ पे कम चिपक रहा है, कौन सा अच्छा पॉजिटिव चिपक नहीं गया, अच्छा ज्यादा नहीं चिपक गया तो अच्छा बात है, लेकिन हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री, हम ये चिपकने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सरफेस पर अगर ज्यादा पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गए बल्क से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आ गया तो ये हो गया पॉजिटिव, बल्क में पार्टिकल्स कम हो गए, बल्क की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, बल्क का कॉन्सेंट्रेशन कम है यहाँ पर सरफेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये हो गया पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, बट अगर बल्क का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सरफेस का कॉन्सेंट्रेशन कम है ये हो गया नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। अब आप बोलोगे सर दोनों में तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या फायदा क्या नुकसान, इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं इसके एडवांस लेवल वाली कुछ चीज पर, इसके एडवांस लेवल चीज पर इसको बता दो, इसको नोट डाउन कर लो बराबर तरीके से, फिर इसके नीचे मतलब कॉलम रखो बराबर वैसे, इसके नीचे ही बता रहा कि इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव एडजेशन या नेगेटिव एडजेशन, हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में क्या करेगा सॉल्यूशन में दो चीज रहती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों में यहाँ पर मैं कंटेनर ले लेता हूँ उसमें लिक्विड को मैं ऐसे डोनेट करता हूँ और यहाँ पर डॉट बना देता हूँ, जो डॉट है वो सॉल्यूट है और ये जो लाइन से वो सॉल्वेंट है, यहां पर भी ऐसे ही सॉल्यूशन ले लेता हूं लिक्विड सॉल्वेंट और डॉट्स सॉल्यूट, और हम क्या करते हैं इसमें मैं एक सब्सटेंस ऐड करता हूं, एक मैंने सब्सटेंस ऐड कर दिया और यहाँ पर भी मैंने एक सब्सटेंस ऐड कर दिया, तो अगर ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल इस सरफेस पे आ रहे हैं मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब देन इट इज अ पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, मतलब यहाँ पर दो पार्टिकल, देखो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइस है, दो चॉइस है अपने पास, तो एक भी नहीं है इसके पास, दो दो इस बंदे के पास में दो चॉइस है, या तो वो सॉल्यूट को अपने पास खींच सकता है या तो वो सॉल्वेंट को अपने पास खींच सकता है, लेकिन दो में से वो सॉल्यूट को चुन रहा है, तो सॉल्यूट पार्टिकल एब्जॉर्ब देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, तब अपन इसको बोलेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, लेकिन कोई कोई सॉल्यूट छोड़कर सॉल्वेंट को चुनते हैं तो ये सॉल्यूट को नहीं चुनेगा, ये सॉल्वेंट पार्टिकल को चुनेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तुम्हें सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब देन द एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, इस वजह से याद रखना है कि पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बल्क फेज से ज्यादा सरफेस पे जमा होते हैं, या फिर इसको उल्टा नेगेटिव फेज में क्या होता है कि बल्क फेज पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, यही फंडा अगर हम सॉल्यूशन में लगा देते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट जिसमें एब्जॉर्ब होगा एडजॉर्ब होगा मतलब सरफेस पर चिपकने वाला है, तो इसके जो ऑप्शन है वो सॉल्यूट को अपने पास खींच रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव, अगर सॉल्वेंट को उसने अपने पास चिपका लिया तो ये हो गया नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। मेरे ख्याल से पॉजिटिव या नेगेटिव एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया होगा, जस्ट इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो अच्छे से, ओके एंड अब हमने कल कुछ टर्म देखे तो उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक मैं टेबल बना देता हूँ सो दैट आप उस चीज को अच्छे से समझ जाओ।
कल मैंने एब्जॉर्प्शन में दो टर्म बताया था, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट, वैसे ही आज मैंने एब्जॉर्प्शन में दो टर्म बताया, बताया या नहीं बताया? तो पहला, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम दो टर्म यूज करते हैं, सॉल्यूट, दूसरा कौन सा यूज करते हैं, सॉल्वेंट। एब्जॉर्प्शन कल देखा था, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में हम यूज करते हैं एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। आज के लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन देखा, तो एब्जॉर्प्शन में भी, एब्जॉर्प्शन में दो टर्म, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट। याद रखना है टर्म, देखो टीई टीई टीई, यहां पर ईएनडी ईएनडी ईएनडी, सॉल्यूट जैसा होता है वैसे ही एब्जॉर्बेंट, वैसा ही एब्जॉर्बेंट, सॉल्वेंट जैसा होता है वैसा ही एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट। क्यों बोला मैंने, अगर सॉल्ट प्लस वाटर का एग्जांपल लिया यहां पर, तो सॉल्ट हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया। दूसरा ये समझ गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व, ये कल ही देखा था। एब्जॉर्बेंट में स्पंज पानी को खींचेगा, तो स्पंज ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, स्पंज आएगा नीचे, क्योंकि स्पंज ने पानी को अपने अंदर लिया ना, तो वाटर आ गया, वाटर दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए वाटर एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट स्पंज, स्पंज ने खींचा। अब यहां पर क्लास का बंदा, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैंक बंदा, पूरे बंदियों को अपनी तरफ खींच रहा है, एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट में रहने का, यहां पर किसको कौन खींचता है, सिलिका जेल, बंदा छोड़ दो, सिलिका जेल, सिलिका जेल खींचता है, किसको खींचता है, बंदियों को नहीं, मॉइस्चर को, किसको खींचता है, मॉइस्चर को। तो समझ में आ गया, इस तरीके से आप इन सभी को याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है इन सबको याद करने का, आप इसको सीरियसली नोट डाउन कर लो, अच्छे से सिस्टमैटिक वैसे लिख लो। तो आज के लेक्चर में ठीक है, लिख सकते हैं आप, आज के लेक्चर में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, सबसे पहला मैंने आज एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दैट द कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जब दूसरे ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कल बोला था कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में मिक्स हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, वो था एब्जॉर्प्शन, आज एब्जॉर्प्शन। फिर हमने उसके एग्जांपल्स के बारे में बात की, फिर हमने दो टर्म देखा, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट। फिर उसके बाद हमने अबाउट पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन की बात की, एंड फाइनली हम ये पॉइंट पर इसको रोकते हैं आज का वीडियो। और नेक्स्ट पॉइंट मतलब एब्जॉर्प्शन हमने खत्म नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे चिपक सकता है, तो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कैसे होता है और उस पर थर्मोडायनामिक्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो पॉइंट हम देखेंगे। बट अभी एक और पॉइंट रहेगा हमारा, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप, अगर कोई डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम आप कमेंट में बता दो मेरे को। ओके, तो फिर मिलते हैं फिर से। ओके देन, चलो।